दोस्तों आईपीएल 2023 के चैंपियन ने कर ली शादी। जी हाँ दोस्तों, तुषार देशपांडे ने इस लड़की के साथ इस दिन की शादी। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे आज आपको इस वीडियो में, साथ ही बताएंगे आखिरकार तुषार देशपांडे ने कब और किसके साथ की शादी। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी चेन्नई की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर छोटी मोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के चैंपियन और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के युवा तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने शादी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तुषार ने अपनी स्कूल क्रश नाभा कदम्बर के साथ शादी की है। नाभा और तुषार बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त भी है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दे कि तुषार स्कूल के दिनों से ही नाभा को काफी ज्यादा पसंद करते थे। जहाँ शादी के बाद खुद तुषार देशपांडे ने फोटो शेयर करके इसकी जानकारी फैंस को दी। तुषार की शादी का सबसे स्पेशल मोमेंट था टेस्ट क्रिकेट की लाल गेंद। जी हाँ दोस्तों, लाल गेंद को हाथ में लेकर तुषार और नाभा ने फोटो भी खिंचाई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। आपको बता दिया जाए कि तुषार देशपांडे की शादी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे और उनकी पत्नी भी शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों कुछ दिन पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शादी की थी और अब चेन्नई की टीम के एक और प्लेयर की भी शादी हो गई है। वहीं दोस्तों तुषार देशपांडे ने खुद शादी के कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसको फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। वहीं दोस्तों तुषार देशपांडे को फैंस ने अपनी नई पारी के लिए काफी ज्यादा बधाइयां भी दी। आपको बता दे कि तुषार देशपांडे और नाभा की शादी 12 जून के दिन हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया जाए कि तुषार देशपांडे ने इस बार आईपीएल 2023 में कुल मिलाकर 21 विकेट लिए थे और अब जल्द ही उनकी टीम इंडिया में भी एंट्री होती नजर आ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या तुषार देशपांडे को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, आप इसकी राय कमेंट सेशन में जरूर बताइए।